गाइज, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड का जब बिल जनरेट होता है तो जब हम अपने इंटरनेट बैंकिंग में चेक करते हैं वहां पर हम लोगों को दो तीन तरह का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। वो ऑप्शन क्या है, चलिए मैं वीडियो में बताता हूं और हम समझाएंगे भी एक एक करके कि वो आखिर है क्या और उसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले अपना यूज़र आईडी या पासवर्ड डाल के हम अपने इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देखिए, यहाँ पे एक कार्ड्स एंड लोन्स का ऑप्शन है, हम उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमारे यूज़र आईडी से जो भी क्रेडिट कार्ड जुड़ा हुआ होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी देखिए, यहाँ पे जो है कार्ड का नंबर ऊपर लिखा हुआ, उसके बाद टोटल क्रेडिट लिमिट लिखा हुआ, उसके बाद टोटल अमाउंट ड्यू नीचे यहाँ लिखा हुआ और करंट आउट स्टैंडिंग लिखा हुआ, उसके बाद अवेलेबल क्रेडिट लिमिट। ये तीनों क्या चीज़ है, मैं इसी बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि टोटल अमाउंट ड्यू क्या है। टोटल अमाउंट ड्यू वो चीज़ है कि आपने बिल जनरेट होने तक, क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होने तक अपने क्रेडिट कार्ड से कितना खर्चा किया और कितना पे कर चुके हैं और कितना पे करना बाकी है। तो वही जो बाकी है, कितना पे करना बाकी है, मतलब क्रेडिट कार्ड का बिल जो जनरेट होगा तो उसमें एक तो है कि जितना बिल आया आप हो सकता है थोड़ा सा दे दें, थोड़ा बचा हुआ, तो जो बचा हुआ रहेगा वही यहाँ पे टोटल अमाउंट ड्यू शो होगा। करंट आउटस्टैंडिंग क्या है कि अगर आपका बिल जनरेट हुआ, बिल जनरेट होने के बाद भी अगर आपके क्रेडिट कार्ड में कुछ लिमिट है और आप उसको यूज़ कर लिए, तो बिल जितना पिछला महीना का बाकी है और जो ये महीना आप यूज़ कर रहे हैं, टोटल दोनों को मिला के वो करंट आउटस्टैंडिंग बोलेगा। मतलब कि टोटल अब तक इतना बाकी है, आपको उतना देना है, मतलब वो इसी मंथ नहीं देना है, इसी मंथ वो जो बिल जनरेट होता है उस टाइम जो एक टारगेट रहता है कि हाँ इतना तारीख से पहले, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मेरा 1 दिसंबर लिखा हुआ है, तो इतना तारीख से पहले हमें सिर्फ ड्यू अमाउंट जो मेरा जो पहला है वो उसको पे करना है। ये करंट आउटस्टैंडिंग जो है, जो हम बिल अमाउंट ये वाला 3100 पे करेंगे, ये हमारा आउटस्टैंडिंग से माइनस हो जाएगा। उसके बाद जो बचेगा वो नेक्स्ट मंथ का जो बिल जनरेट होगा उसमें आएगा वो चीज़। इस महीना का बिल पे करने के बाद करंट आउटस्टैंडिंग जो है वो जितना हम बिल पेमेंट मेरा बाकी है उतना हम करेंगे, बिल पे कर देंगे तो वो हमारा माइनस हो जाएगा, और माइनस होने के बाद जो बचेगा वो नेक्स्ट मंथ के बिल में जनरेट होके आएगा। आई होप कि करंट आउटस्टैंडिंग समझ गए होंगे। पहले तो ऊपर लिमिट रहता है, उसके बाद अवेलेबल करंट लिमिट कितना है कि मतलब आप अभी आप कितना और यूज़ कर सकते हैं, मतलब 129 रुपया अभी हम, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा कि 129 रुपया है, तो हम 129 रुपया हम और यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, जीरो हो जाएगा, जो एक लास्ट मतलब जीरो हो जाएगा। 129 रुपया अगर हम यूज़ कर ले टोटल तो मेरा जीरो हो जाएगा क्रेडिट कार्ड का, जितना भी लिमिट मैंने एक तरह से यूज़ कर लिया है।